नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं देश की बात, और देश की बात में शुरुआत करते हैं प्रदूषण की बात से, जहां पर अब दिल्ली और एनसीआर, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ही बात वैसे तो नहीं है, इससे आगे बढ़ के पूरे उत्तर भारत की बात है, पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। और ये प्रदूषण अब नज़र आ रहा है, पिछले 2-3 दिनों से स्मॉग की चादर हवा पे अटकी हुई है, और ये स्मॉग छटने का नाम नहीं है, क्योंकि प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो WHO का मानक है 100, जिसके नीचे होना चाहिए, और जो शहर प्रदूषित नहीं होते हैं वहाँ 15, 16, 17, 25, 30 इस तरह का AQI होता है, लेकिन यहाँ 100 तो दूर की बात है, वो तो हम साल भर नहीं रहता। अभी 450 इस तरह का AQI देखा जा रहा है, और दिल्ली अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। स्विस ग्रुप IQ एयर के मुताबिक आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 दर्ज किया गया, बल्कि 700 से ज़्यादा भी कई जगहों पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर हैं, और इन 3 शहरों में टॉप पर है दिल्ली। दिल्ली यानी कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके आसमान पर छाई हुई जहरीली धुंध हटने का नाम नहीं ले रही, और इसमें सांस लेना वाकई खतरनाक है। फिलहाल दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 है। गंभीर हालात के चलते दिल्ली में अब ग्रैब यानी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है, कि इतनी अगर प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आप पहले स्टेज का, दूसरे स्टेज का, तीसरा और फिर चौथा स्टेज, ये आप लागू करेंगे। रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वो लागू हुआ है, लेकिन ये एक इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है। लंबे समय में इस प्रदूषण के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर अब पाबंदी रहेगी अगले कुछ दिनों। जरूरी सामान वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को इन पाबंदी से छूट दी गई है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल हमारे साथ हैं। फाइनली आखिरकार ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया गया है परिमल, और इसके तहत किन किन चीजों पर रोक लगेगी अब? देखिए, ये सीधे तौर पे हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, और इसके कुछ मानक तय हैं, जिसमें आपने ट्रकों की बात कर ली। इसमें लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन पर पाबंदी है। जो मीडियम जो ट्रक होते हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल जो होते हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, उनके चलने पर पाबंदी है। जो CND एक्टिविटीज होती है उसको लेकर पाबंदी की बात कही गई है। स्कूलों को लेकर आपने जैसा बताया कि 6ठी से 9वीं तक की क्लास को कहा गया है कि ऑनलाइन मोड में जाने की बात है। जो सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं, उनको कहा गया कि 50% वर्क फोर्स पे काम करें, 50% एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करें। और ऐसी ही सलाह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कही गई कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन लें अगर एम्प्लॉय को अगर वर्क फ्रॉम होम करवाना है तो। साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है राज्य सरकारों से कि ये स्थिति बहुत खराब है, तो कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब चीजों को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, इसको बंद करना चाहिए। और साथ में कुछ सिटीजन चार्टर होता है नगमा, जिसके तहत पब्लिक से अपील की जाती है, और वो कहा जाता है कि जो एल्डरली पीपल हैं या जो बच्चे हैं, और खास तौर पे वो बच्चे या बुजुर्ग जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको ये कहा गया है क्रॉनिक डिजीज है, वो आउटडोर एक्टिविटीज को बंद करें। तो एक पब्लिक से अपील, सरकारी तंत्र को अपना काम करने की बात, क्योंकि ये वाकई स्थिति बहुत खतरनाक है। और ग्राफ 4 को लेकर सीधे तौर पे ये बात कही गई है कि ये जो हालात बने हैं वो समझना भी जरूरी होगा कि हालात आखिर ऐसे क्यों बन गए हैं। तो पहली चीज तो ये कही गई है कि बहुत ज्यादा फार्म फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, और दूसरी नंबर चीज ये कि हवा की स्पीड जो है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, उनकी स्पीड बहुत कम है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो अब CAQ ने ये फैसला लिया है, और ये तमाम राज्यों से बात करके ये फैसला लिया जाता है। NCR के तो राज्य होते हैं, साथ में एडजॉइनिंग स्टेट भी होता है जिसमें पंजाब, हरियाणा भी शामिल है। तो ये फैसला लिया गया, और अपने आप में वाकई गंभीर स्थिति है, जिसमें जितनी आउटडोर एक्टिविटीज लोग अपने स्तर पर बंद कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। लोगों को अपने स्तर पर आउटडोर एक्टिविटीज जरूर बंद करनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम घर से निकलें, जरूरत ना हो तो गाड़ियां भी बिल्कुल ना निकालें। जितनी ज़्यादा गाड़ियां आप निकालते हैं उतना ज़्यादा प्रदूषण में और भी ऐड करते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें तो खैर हैं ही। इस वक्त
दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दिल्ली का मतलब ये कि पूरा जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाज़ियाबाद हो या इधर गुरुग्राम हो। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम देश की बात में। गृहमंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर में गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने एक रैली की है। नीतीश कुमार ने उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर बार पलटी मारी है और इसकी वजह से उन्हें पलटूराम के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन उन्होंने जनादेश का अपमान किया है ये पलटी मारकर। अमित शाह कटाक्ष कर रहे हैं कि किस तरह नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। बिहार में अब गुंडा राज और जंगल राज हो गया है। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य सिर्फ पीएम का विरोध करना है। नीतीश को पीएम और लालू यादव के बेटे को सीएम बनना है, इसलिए वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार लालू यादव की गोद में है। 2024 में 40 में से 40 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ऐसा गृहमंत्री का दावा है। ये पलटूराम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह कर रहे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। अमित शाह का ये आरोप है कि नीतीश कुमार सिर्फ पीएम बनना चाहते हैं, और इस रैली के बाद से बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये जाति जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया, तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं ओबीसी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दें। तो बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। सारा कौन है, थोड़ा नीचे कीजिए। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। और आइए अब देखते हैं इसराइल और गाजा की क्या है ताज़ा खबरें। तो गाजा पर इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, परमाणु बम गिराने की धमकी भी अब दे दी गई है। किसने दी है ये धमकी, जानकारी दे रहे हैं उमा शंकर से। गाजा में परमाणु बम गिराना भी एक विकल्प है। इसराइल के हेरिटेज मिनिस्टर यानी कि विरासती मामलों के मंत्री एमिहई एलियायू ने ऐसा बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने तुरंत इस बयान को खारिज कर दिया, इसे सच्चाई से दूर बताया और हेरिटेज मिनिस्टर को सरकारी बैठकों में शामिल होने से निलंबित कर दिया है। दरअसल नेतन्याहू सरकार के मंत्री के इस बयान से न सिर्फ अरब देशों का गुस्सा भड़कने का खतरा है, बल्कि ये अमेरिका जैसे देश को भी नागवार गुजरेगा, जो कि इसराइल का नज़दीकी साझेदार है। और तो और घर में भी इसको लेकर कड़ी आलोचना शुरू हो गई है। इसराइल में विपक्ष के नेता येर लिपिड ने इसे भयंकर और पागलपन वाला बयान करार दिया है और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इस बीच गाजा में हालात बद से बदतर हो चले हैं। यहां 15 लाख लोग अपने ही घरों को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इनमें से 5,30,000 लोग दक्षिणी गाजा के उन 92 शिविरों में हैं जिसे यूएन की एजेंसी UNRWA चला रही है। शरणार्थियों की बड़ी तादाद की वजह से यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अस्पतालों तक में लोग पटे पड़े हैं। लोग यूएन शिविरों के नज़दीक सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तरी गाजा और गाजा सिटी में 1,60,000 से अधिक लोग हैं, लेकिन UNRWA का कहना है कि उन तक किसी भी तरह की मदद पहुँचाने में एजेंसी नाकाम है। इसराइल उत्तरी गाजा से सभी लोगों को दक्षिणी गाजा जाने के लिए बार बार कह रहा है। लाखों लोग जा चुके हैं और जो बचे हैं उन पर भी जाने का दबाव है। इसराइल की सेना गाजा सिटी को घेरकर अपना ज़मीनी ऑपरेशन चला रही है। हमास के साथ गलियों में उसकी लड़ाई जारी है। उसकी रणनीति जो अब तक समझ में आई है वो यही कि उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग कर पहले उत्तरी गाजा से हमास को ख़त्म करने की है
और इसको लेकर वो तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन इसराइल के हमलों में जिस तरह से आम लोगों की मौत हो रही है उससे उस पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसराइल किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेट ने कहा है कि हमास के गाजा प्रमुख याहिया सिनवार को ढूंढकर मारा जाएगा और वो किसी भी कीमत पर ऐसा करने की बात कर रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वाफा ने जानकारी दी है कि मध्य गाजा के देउर अल बलाह के मगाजी कैंप पर इसराइल के हमले में 51 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने मृतकों की तादाद 30 बताई है। गाजा में मानवीय मदद की भारी जरूरत है। रविवार को 30 ट्रक मदद सामग्री गाजा पहुंची, हालांकि ये हर दिन की जरूरत के हिसाब से नाकाफी है और यूएन बार बार कह चुका है कि गाजा को बहुत अधिक मात्रा में मदद की जरूरत है। इसराइल का फिर दौरा कर जॉर्डन पहुंचे अमेरिकी विदेश सचिव ने गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध विराम रोकने और मदद पहुंचाने की वकालत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने की जरूरत बताई है, हालांकि युद्ध विराम के पहले के तमाम अनुरोधों को इसराइल साफ तौर पर खारिज कर चुका है। वो मानने को तैयार नहीं। वो उसका कहना है कि युद्ध विराम हुआ तो ये हमास के सामने इसराइल का समर्पण होगा। इसराइल से अपने राजनयिक वापस बुलाने वाले देशों में टर्की भी शामिल हो गया है। टर्की ने शनिवार को ऐलान किया कि वह इसराइल के पीएम के साथ भी अपने सारे संपर्क तोड़ रहा है। इसराइल तुर्की से अपने राजनयिकों को पहले ही वापस बुला चुका है। अफ्रीकी देश चाड ने भी इसराइल से अपने राजनयिक को वापस बुलाने का ऐलान किया है। फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन और वॉशिंगटन में भी भारी प्रदर्शन हुआ है। हमास ने कहा है कि इसराइल के हमलों के बीच 60 बंधक लापता हैं। हमास के पास 238 बंधक हैं जिनको छुड़ाने को लेकर कई स्तर की मध्यस्थता चलती रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और इस बीच गाजा में, जैसा कि मैंने बताया, हालात बद से बदतर हो रहे हैं।